हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल गुड एंड फाइन। अगर आप बैंक प्रमोशन एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें हम आपको कंसेप्चुअल वीडियो, सिंधी इंग्लिश मिक्स, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट, ईपीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड लाइव क्लास सारी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप अभी हमारे कोर्सेज को परचेज करते हैं, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो IIBF लर्निंग सेंटर आपको डाउनलोड कीजिए, अगर आप एप्पल यूजर है तो माई इंस्टीट्यूट आपको डाउनलोड कीजिए और कोड यूज कीजिए GEGKT। अगर आप अभी हमारे कोर्सेज को परचेज करते हैं तो आपको फ्लैट 82% ऑफ मिलेगा। जस्ट आपको कूपन डालना होगा IIBF एग्जाम्स। इसके अलावा फर्दर अगर आपको एग्जाम के रिलेटेड आपको कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारा है फॉरेन एक्सचेंज के साथ रिलेटेड। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज में बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया के रहने वाले हो गए, रेजिडेंट हो गए, उसमें उसके अलावा जो NRI होते हैं और उनमें कौन कौन से पर्सन आते हैं, उसके बारे में सारी बातें करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक टाइप्स ऑफ पर्सन की बात करें जो फॉरेन एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो आपके रेजिडेंट हो गए जो इंडिया के ही रहने वाले हैं, और एक आपके नॉन रेजिडेंट हो गए जो उनका जो ताल्लुक इंडिया से है लेकिन वो क्या है, इंडिया से बाहर रहते हैं। क्लियर। चलिए सबसे पहले अगर बात करें तो हमारे इंडिविजुअल जो आपके, देखिए जो आपके रेजिडेंट पर्सन है वो तो आपको पता है, वो तो हम और आप होंगे जो यहाँ इंडिया पे रहते हैं। जो नॉन रेजिडेंट के टाइप में आते हैं, जो इंडिया में नहीं रहते, उनमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पर्सन आते हैं। उनमें मेनली तीन टाइप्स के पर्सन है। सबसे पहले बात करें तो नॉन रेजिडेंट इंडियन, जिसको NRI भी बोलते हैं, आपने बहुत जगह सुना होगा। और एक अपने होते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसको PIO बोलते हैं इन शॉर्ट। और एक अपने होते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसको OCI भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब तीनों में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर NRI की बात करें, NRI एक वो पर्सन होता है, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कोई फाइनेंशियल ईयर है, आपने देखना, मान लीजिए आपने 2021 से लेकर 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल से लेकर मार्च तक का टाइम पीरियड देखना है। अगर अप्रैल और मार्च के बीच में कोई पर्सन 182 डेज से ज्यादा इंडिया से बाहर रहता है तो उसको नॉन रेजिडेंट इंडियन माना जाता है। ठीक है, तो उसका मतलब जो इंडिया का कोई पर्सन अगर 182 यानी कि 182 दिन से ज्यादा इंडिया से बाहर रहता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, वो कंटिन्यू, ऐसा नहीं है कि महीने के लिए चला गया फिर वापस आ गया, फिर महीने के लिए चला गया फिर वापस आ गया, ऐसा नहीं, कंटिन्यू अगर वो 182 डेज से ज्यादा बाहर रहता है तो वो कौन माना जाएगा, वो आपका नॉन रेजिडेंट इंडियन पर्सन माना जाएगा, यानी कि NRI माना जाएगा। क्लियर। चलिए अगर इसमें कॉमन पार्लेंस में बात करें तो एनी इंडियन लिविंग ओवरसीज, कोई भी इंडियन अगर यहाँ पे इंडिया से बाहर रहता है तो वो क्या है, NRI होता है। ठीक है, द टर्म NRI इज नॉट डिफाइंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, या इनकम टैक्स का प्रॉपर डिफाइनिंग है, बट सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट कंटेन डिटेल क्राइटेरिया ऑफ हु कैन डीम टू बी एज रेजिडेंट ऑफ इंडिया। पर सेक्शन जो आपका सेक्शन 6 है उसमें इसमें प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि कौन आपका यहाँ पे NRI हो सकता है। ठीक है, चलिए इसमें अगर बात करें इंडियन, सबसे जो इंपॉर्टेंट जो NRI की जो आप कह सकते हो कि सबसे इंपॉर्टेंस जो मार्क है जिससे वो पता चलता है कि नॉन रेजिडेंट इंडियन है, NRI है, तो वो किससे होता है, इंडियन सिटीजन रिजाइनिंग आउट ऑफ इंडिया फॉर ए कंबाइंड टोटल ऑफ एटलीस्ट 182 डेज, यानी कि वो एटलीस्ट अगर 182 दिन या फिर 182 दिन से ज्यादा इंडिया के बाहर रहता है तो आपका वो NRI होगा। क्लियर। चलिए इसके अलावा जो NRI को आपको वोट कर सकता है, वो कभी भी यहाँ पे आके चुनाव में वोट कर सकता है, उसको ये सारी इंपॉर्टेंस दी जाती है। और ओनली द इनकम डेट दे हैव अर्न इन इंडिया इज टैक्सेबल इन इंडिया, और जो भी वो इनकम इंडिया से अर्न करता है, देखिए अब तो वो फॉरेन में रहता है, फॉरेन में वो फॉरेन से इनकम अर्न करेगा तो वहीं पे टैक्स पे करेगा, लेकिन अगर वो इंडिया में किसी तरह से इन्वेस्ट करता है या फिर इंडिया में उसका कोई बिजनेस चालू रहता है या फिर चालू शुरू करता है तो उससे अगर कोई इनकम होती है तो उससे वो इंडिया में क्या होगी, टैक्सेबल होगी। ऐसा नहीं है कि वो इंडिया से बाहर रहता है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, देयरफॉर एनी इनकम अर्नड आउटसाइड इंडिया इज नॉट टैक्सेबल, जो भी इंडिया से बाहर वो इनकम अर्न करेगा वो उसमें टैक्सेबल नहीं होगी। क्लियर। चलिए अब हमारे NRI के बारे में आपको पता चल गया। नेक्स्ट हमारा है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। देखिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब जिसके यहाँ पे पेरेंट्स, ठीक है, इंडियन हो पर लेकिन वो इंडिया से जो जब उसका जन्म हुआ था या तो तब इंडिया में था, फिर उसके बाद क्या है, फिर बाहर चला गया, तब से वो इंडिया वापस आया ही नहीं, तो वो कौन सा पर्सन होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, एन इंडिविजुअल हुज एन इंडियन बाय बर्थ, या तो उसका बर्थ इंडियन में इंडिया में होगा या फिर बाय डिसेंट, डिसेंट का मतलब या तो उसके माँ बाप इंडियन होंगे, तो वो जब से उसका चाहे बर्थ हुआ है चाहे उसके माँ बाप इंडियन है लेकिन वो वापस इंडिया में कभी नहीं आया, फिर भी वो पर्सन कौन होता है, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता है, कि इसका जो ताल्लुक है वो क्या है, इंडियन है। ठीक है, चलिए इसमें जैसे आपके पासपोर्ट फ्रॉम ए कंट्री अदर देन बांग्लादेश, चाइना, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका वर प्रीवियसली इशूड एंड
आइडेंटिफिकेशन कार्ड, इनमें क्या है, इनके एक पासपोर्ट होता है, उसके साथ में एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड भी यूज होता है अगर कोई यहाँ पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। तो अगर इन देशों में कोई भी, अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कोई भी पर्सन इनके इन देशों में रहता है, तो यहाँ पे उनके पास एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड पहले इशू करते थे, ठीक है। चलिए, हाउएवर, लेकिन अगर जनवरी 15, 2015 की बात करें, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद्रो द PIO, जिसमें कुछ ने क्या किया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को विद्रो कर लिया, एंड जो उसकी कार्ड स्कीम थी उसको भी विद्रो कर लिया। इट वॉज मर्ज विद द OCI कार्ड स्कीम, तो इसको क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की कार्ड स्कीम के साथ उसको जोड़ दिया, ठीक है। तो अब जो अपना पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का जो पहले कार्ड स्कीम थी, वो पहले कार्ड दिखाना पड़ता था, अब वो क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये कौन पर्सन होता है। इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस एन OCI, ये इंडियन गवर्नमेंट ने अपने आप से इंट्रोड्यूस किया है, डेट ऑथराइज अ फॉरेन सिटीजन ऑफ इंडिया ओरिजिन टू लिव एंड वर्क इन इंडिया फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। इसमें क्या है, एक यहां पे कोई बाहर के पर्सन को, ओवरसीज सिटीजन मतलब कि क्यों दूसरी कंट्री का सिटीजन है, उसको क्या है, यहां पे एक कार्ड दिया जाता है, ठीक है, एक OCI कार्ड दिया जाता है, जिसके अंडर वो इंडिया में अगर वो काम करना चाहता है, रह के काम करना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, तो वो इनडेफिनेट पीरियड तक, मतलब कि जितने उसकी मर्जी हो, वो जितने साल तक यहां पे रह के काम कर सकता है, तो वो पर्सन क्या कहलाता है, वो कहलाता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, क्लियर। तभी यहाँ पे जो पर्सन ऑफ ओरिजिन जो इंडिया का है था, वो हटा दिया, अब वो उसको क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बना दिया, ठीक है। यानी कि कोई बाहर का कोई पर्सन, अगर कोई बाहर का कोई सिटीजन है किसी दूसरी कंट्री का, अगर वो इंडिया में रह के काम करना चाहता है, तो वो इंडिया में रह के काम इजिली कर पाए और उसको कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड का इशू किया जाता है, ठीक है। और ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए होता है, ठीक है। इनडेफिनेट पीरियड मतलब कि वो अपने समय के हिसाब से, जब जितना उसको ठीक लगेगा, 5 साल, 10 साल, उतना टाइम वो इंडिया में रह के काम कर सकता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अगर बात करें, एनीबडी हु हैज एवर बीन अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश और हु हैज वर्कड इन फॉरेन मिलिट्री कैन नॉट बी कंसीडर्ड OCI। लेकिन जो अपना कोई पाकिस्तान का कोई सिटीजन है या फिर बांग्लादेश का सिटीजन है, उसको हम यहाँ पे OCI नहीं मान सकते, ठीक है। क्योंकि वो जो पाकिस्तान है और जो बांग्लादेश है, वो कभी ना कभी पहले इंडिया के पार्ट होते थे, ठीक है। तो ये अपना OCI का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, किसी दूसरे देश का सिटीजन, ठीक है। तो उसमें आपने कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। चलिए, दी OCI कार्ड गिव्स एन वन परमिशन टू विजिट इंडिया। इसमें जो OCI कार्ड दिया जाता है, ओवरसीज सिटीजन कार्ड दिया जाता है, उसमें क्या है, परमिशन एक तरह की मिल जाती है कि वो जब चाहे मल्टीपल टाइम में जब मर्जी इंडिया में आए जाए, जितना मर्जी समय रहे, चाहे जितना मर्जी काम करे, चाहे बिजनेस ओपन किया है उसको, उसकी देखभाल करे, तो वो सारी इसमें उसको फैसिलिटी मिल जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर बात करें तो आपके जो NRO अकाउंट होता है, ठीक है, जिसको नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट बोलते हैं, जो आपका बेसिकली कौन ओपन करता है, NRI, जो आपका नॉन रेजिडेंट इंडियन है, वो जो इंडिया में अकाउंट ओपन करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट, ठीक है। देखिए, इसमें वो अकाउंट ओपन करने का मकसद क्या होता है, मान लीजिए ये कोई NRI है जो इंडिया के बाहर रहता है, ये मैंने बॉर्डर बना दिया, ये मान लीजिए अमेरिका है, वो अमेरिका का सिटीजन है, लेकिन वो क्या है, उसने इंडिया में क्या है, अकाउंट ओपन किया है, क्या किया है, NRO अकाउंट ओपन किया है, ठीक है, बैंक के साथ। तो इसका मकसद ये रहता है कि मान लीजिए अगर उसको इंडिया से कोई इनकम होती है रुपीस में, देखिए वहां पर तो रुपीस भी होगी, तो वो अपना इतनी रुपीस में यहाँ पे इंडिया की जो इनकम है उसमें अर्न करके अपने ही इंडिया के किसी खाते में क्या कर सकता है, उसको सेव कर सकता है, जिसको क्या बोलते हैं, NRO अकाउंट बोलते हैं। ये बेसिकली कैसे, एक सेविंग अकाउंट की तरह काम करता है। जैसे हम यहाँ पे इंडिया से इनकम कमाते हैं, तो हमारा कौन सा अकाउंट है, हमारा सेविंग अकाउंट होता है या फिर हमारा करंट अकाउंट होता है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर NRI कोई यहाँ से इंडिया से इनकम अर्न करता है और उसको यहाँ पे एक अकाउंट में रखनी है, तो वो कौन सा अकाउंट होता है, वो नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट, क्लियर। चलिए, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट इज ए पॉपुलर वे फॉर मैनी NRI टू मैनेज देयर डिपॉजिट और इनकम अर्नड इन इंडिया। जो भी वो इनकम अर्नड इन इंडिया करते हैं, मतलब इंडिया से जो भी उनको इनकम अर्नड होती है, ठीक है, चाहे उनको कोई इसी तरह से डिविडेंड मिलता हो, चाहे पेंशन मिलती हो, चाहे रेंट मिलता हो, तो वो अगर इंडिया में वो उसी खाते में सेव करना चाहते हैं, इंडिया के किसी बैंक में सेव करना चाहते हैं, तो जो अकाउंट ओपन किया जाता है वो अपना होता है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर बात करें, द अकाउंट अलाउ यू टू रिसीव फंड्स इन द इंडियन, इसमें क्या है, जो अकाउंट जो अलाउ करता है कि आप इंडिया में कैश इसमें रिसीव कर सकते हो, और साथ ही में क्या है, अगर फॉरेन करेंसी में अगर आपको इनकम होती है, वो मैं समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए ये इंडिया में ये NRI है और ये अमेरिका है,
और ये इंडिया में उसका किसी बैंक में क्या है, एनआरओ अकाउंट है। ठीक है, देखिए एनआरआई की अगर इंडिया में कहीं मान लीजिए कोई बिजनेस ओपन किया है, वो बिजनेस दो तरीके से इनकम अर्न कर सकता है, या तो वो इंडिया से इनकम अर्न कर सकता है, मतलब वो रुपीस में कर सकता है, या तो फिर क्या है वो बाहर से कोई एक्सपोर्ट करता है इंडिया में माल बना के, तो उसको बाहर से कहीं ना कहीं इनकम होती होगी, तो वो क्या कर सकता है, दूसरा डॉलर में भी उसको इनकम आ सकती है या फिर फॉरेन करेंसी में। तो इसमें क्या है, जो इंडिया में जो उसका अकाउंट ओपन किया हुआ है एनआर अकाउंट, उसमें जब भी वो रुपीस कमाएगा तो भी उसमें सेव हो सकता है, अगर वो डॉलर कमाता है तो भी उसमें क्या है सेव हो सकते हैं। ये रुपीस और डॉलर दोनों को क्या करता है, मतलब कि एस्पेक्ट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें, हाउ एवर द इंटरेस्ट यू अर्न इन दिस अकाउंट इज सब्जेक्टेड टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर आप कोई भी इंटरेस्ट आप इस पे लगाते हो, आपको मिलता है, देखिए अगर आप कोई भी सेविंग अकाउंट ओपन करते हो तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर एनआरआई यहाँ पे इंडिया में कोई अकाउंट ओपन करता है, एनआरओ अकाउंट ओपन करता है, तो उसके ऊपर भी उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, तभी उसने यहाँ पे पैसे सेव किया, नहीं तो फिर वो अपने खाते अपने अमेरिका के किसी बैंक में सेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसको क्या है इंटरेस्ट मिलेगा, अगर इंटरेस्ट क्या है वो टैक्सेबल हुआ तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, जैसे टीडीएस लगता है। ठीक है, टैक्स डिडक्टेड सोर्स, क्लियर। चलिए एनआरओ अकाउंट भी हो गया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, तुम्हारा जो दूसरे टाइप का जो अकाउंट होता है वो है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट। ठीक है, देखिए अब इसमें बात आ गई, क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल लिखा हुआ है। एक्सटर्नल का मतलब अभी मैं समझाता हूं, मान लीजिए ये एनआरआई है, ठीक है, ये मान लीजिए वो अमेरिका का है, ठीक है, और ये मान लीजिए इंडिया है, इंडिया की कोई यहां पे बैंक है। ठीक है, चलिए तो एनआरआई की जो इनकम है अभी पहले इंडिया से हो रही थी, अब एनआरआई की इनकम क्या है उसकी किसी दूसरे देश में हो रही है। ठीक है, तो मान लीजिए वो किसी दूसरे देश में, जिस देश में वो रहता है वहां से उसको इनकम हो रही है, लेकिन वो इंडिया के किसी अकाउंट में उसको सेव करना चाहता है उस इनकम को, तो इस कंडीशन में जो भी यहाँ पे अकाउंट ओपन होगा वो अपना कौन सा होगा, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट। क्लियर, देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल वर्ड से आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि जो इनकम एक्सटर्नल से हो रही है, मतलब इंडिया से नहीं हो रही, इंडिया से बाहर से हो रही है, तो वो अगर यहाँ पे इंडिया से कोई बाहर से इनकम हो रही है लेकिन वो इंडिया के किसी अकाउंट बैंक के किसी खाते में उसको जमा करवा के रखना चाहता है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट। क्लियर, चलिए तो एनआरई जो अकाउंट है, इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड अकाउंट ऑफरिंग कंप्लीट सिक्योरिटी, ये आपको पूरी सिक्योरिटी देता है। दिस अकाउंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सेविंग भी हो सकती है, ये आपका करंट भी हो सकता है, ये आपका फिक्स डिपॉजिट टाइप भी हो सकता है, तो तीनों टाइप के आपको अकाउंट मिल सकते हैं, जिसमें फॉरेन करेंसी यू डिपॉजिट इनटू द अकाउंट इज कन्वर्टेड टू आईएनआर। इसका मतलब देखिए बाहर से वो इनकम किस में होगी, उसको डॉलर में ही होगी, फॉरेन करेंसी में होगी, जब यहां पे वो इंडिया के किसी बैंक में इसको ट्रांसफर करेगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, जो फॉरेन करेंसी का जो उसने बाहर से जो इनकम की थी वो इंडिया में किस में सेव होगी, रुपीस में सेव होगी। लेकिन ऊपर वाले अकाउंट में क्या था, अगर इंडिया की उसको इनकम, इंडिया से इनकम होगी उसको, चाहे रुपीस में हो चाहे डॉलर्स में हो, तो दोनों इसमें सेव हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है आपके ऑटोमेटिकली जो आप डॉलर्स में पैसे कमाते हो तो ऑटोमेटिकली अगर इसमें सेव करोगे तो रुपीस में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर, चलिए इसमें क्या है, जब भी आप यू कैन ट्रांसफर योर फंड और प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट, जब मर्जी आप इससे पैसा निकाल के अपने देश में या अपने देश के किसी बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, उसमें कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं लगाई जाती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें तो हमारा है टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। देखिए यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज किसी दूसरे देश के साथ अगर हमारी जो ट्रांजेक्शन होती है वो कितने टाइप की हो सकती है, तो बेसिकली वो दो टाइप की होती है, या तो वो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होती है, मान लीजिए मैंने बॉर्डर बनाया, ये अमेरिका है ये इंडिया है, मान लीजिए अमेरिका के किसी बैंक ने इंडिया के किसी बैंक के बीच में कोई ट्रांजेक्शन होती है तो वो क्या है, एक तरह की फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है। लेकिन दूसरे तरह की जो ट्रांजेक्शन होती है, एक तो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होगी और दूसरी हमारी होती है मर्चेंट ट्रांजेक्शन। मर्चेंट ट्रांजेक्शन का यहाँ पे मतलब है, देखिए मर्चेंट का मतलब जब यहाँ पे जो सेल परचेज होती है, मान लीजिए कोई इंडिया का क्या है बायर है और अमेरिका का क्या है सेलर है, सेलर यहाँ से माल भेजेगा, बायर यहाँ से खरीदेगा, तो ये भी क्या है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होगी, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होगी। तो ट्रांजेक्शन दो टाइप की होती है, या तो बैंकों के बीच में होगी या फिर बायर सेलर के बीच में होगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट अगर इसमें बात करें तो आपके इसमें कई अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं, उसमें कौन से अकाउंट होते हैं, जैसे अपने नॉस्रो अकाउंट हो गया, वॉस्रो अकाउंट हो गया, मिरर अकाउंट हो गया। अगर यहाँ पे आपको नहीं पता तो मैं आपको सारा समझाता हूँ। देखिए नॉस्रो अकाउंट का जो मीनिंग होता है वो होता है आर अकाउंट विद यू, कि हमारा अकाउंट आपके पास है। वो कैसे, मान लीजिए मैंने फिर से बॉर्डर बनाया, ये आपका क्या है अमेरिका है और ये मान लीजिए क्या है इंडिया है, इंडिया की बैंक ने बाहर की किसी बैंक के पास क्या है अकाउंट ओपन किया है,
क्या किया है, अकाउंट ओपन किया है, वो अकाउंट कौन सा है, उसको क्या बोलते हैं, नॉस्रो अकाउंट, यानी कि हमारा अकाउंट जो आपके पास है, जो हम वो आपके पास जो अकाउंट है वो हमारे बिहाफ पे क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। तो सीधा अगर सिंपल बात करें, अकार अकाउंट इज विद यू, यानी कि हमारा जो अकाउंट है वो किसी दूसरी बैंक के पास अगर हम ओपन करें और वो अकाउंट हमारे बिहाफ पे काम करे तो उसको क्या बोलते हैं, नॉस्रो अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर ये इंडिया की कोई बैंक है, इसको बाहर से कोई इनकम अर्न होती है तो डायरेक्टली क्या है, नॉस्रो अकाउंट में चली जाएगी। इसको इंडिया में बार बार वो चेंज करके, फॉरन एक्सचेंज चेंज करके यहाँ पे उसको सेंड करने का या फिर यहाँ पे इंडिया में उसको सेव करने का कोई मतलब नहीं बनता। बाहर से इनकम अर्न करो और वहीं से क्या है, किसी बैंक में नॉस्रो अकाउंट खोल लो, वहीं में क्या है आपकी इनकम आती रहेगी और वहीं से क्या है, अगर आपने कोई खर्चा करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा, तो वहीं से अकाउंट से क्या है वो डेबिट भी होता रहेगा, उसी में डेबिट होता रहेगा, उसी में क्रेडिट होता रहेगा। तो ये होता है आपका नॉस्रो अकाउंट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो हमारा अकाउंट है वो हमारा है वॉस्रो अकाउंट। देखिए वॉस्रो अकाउंट होता है वो बिल्कुल इसका नॉस्रो का उलट होता है। मान लीजिए ये इंडिया की बैंक है और ये कौन सी, बाहर की बैंक है। पहले कौन सा नॉस्रो में क्या था, इंडिया की किसी बैंक का बाहर के किसी बैंक में अकाउंट ओपन है, उसमें जो इनकम अर्न होती है वही उसमें क्रेडिट होती है, और जो इंडिया वहां से कोई उसने इन्वेस्ट करना होता है इंडिया बैंक ने तो उससे क्या होती है, डेबिट होती है, ठीक है। चलिए अब ये तो एक कंडीशन होगी किसकी, नॉस्रो अकाउंट की। अब बात करते हैं वॉस्रो अकाउंट में। देखिए वॉस्रो अकाउंट में अगर कोई बाहर की बैंक का कोई अकाउंट इंडिया में ओपन करना चाहती है तो उसको क्या बोलते हैं, वॉस्रो अकाउंट बोलते हैं, क्लियर। मान लीजिए कोई बाहर की कोई बैंक है, अगर इंडिया में वो कहीं पे इन्वेस्ट कर रही है तो इसी अकाउंट से इन्वेस्ट कर देगी, ठीक है। अगर इंडिया से उसको इनकम अर्न होती है तो इसी अकाउंट में उसकी इनकम, इसमें उसकी इनकम अर्न होती रहेगी, इसी में डिपॉजिट होती रहेगी। तो इसमें क्या है, बार बार जो प्राइस फ्लक्चुएशन का जो रेट होता है उससे दिक्कत नहीं होती। मान लीजिए कि उनको अगर, मान लीजिए ये वॉस्रो अकाउंट ओपन ना करते तो जो भी यहाँ से इंडिया से इनकम होती तो डायरेक्ट उनको डायरेक्टली रुपीस में कन्वर्ट होकर डॉलर में उसको अपने अकाउंट में क्या करनी पड़ती, ट्रांसफर करनी पड़ती, और जो भी उन्होंने इन्वेस्ट करना है उन्होंने यहाँ से डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करके इंडिया में इन्वेस्ट करना पड़ता। तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क होता है, जो आपका प्राइस फ्लक्चुएशन, जो रुपीज़ का, करेंसी का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। तो उसमें मुनाफा नुकसान दोनों चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम इंडिया के किसी बैंक के पास यहाँ पे अकाउंट ओपन कर लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपका बेसिकली आपको बार बार वो फॉरेन एक्सचेंज का नहीं लेना पड़ेगा, क्लियर। तो ये होता है आपका वॉस्रो अकाउंट, ठीक है। चलिए आई होप अब दोनों अकाउंट में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। अब बात हो करते हैं हमारे तीसरे अकाउंट की, जो हमारा है मिरर अकाउंट। देखिए मिरर अकाउंट के लिए फिर से मैं यहां पे बॉर्डर बना रहा हूं, ये आपका अमेरिका है, ये आपका इंडिया है, ये इंडिया की बैंक है, ये अमेरिका की बैंक है, ठीक है। मान लीजिए जो जो मिरर अकाउंट होता है वो किसकी रिफ्लेक्शन होता है, वो नॉस्रो अकाउंट की रिफ्लेक्शन होता है। मैं आपको बताता हूं कैसे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका नॉस्रो अकाउंट है और ये आपका क्या है, इंडिया की बैंक है, ठीक है, ये क्या है, अमेरिका की बैंक है, क्लियर। नॉस्रो अकाउंट यू क्यों, हम क्यों करवाते हैं यहाँ पे, इंडिया की अगर इनकम कहीं बाहर से होती है ताकि वो इसी में जाती रहे, अगर बाहर उसने क्या करना है, इन्वेस्ट करना है तो इसी से निकलता रहे, तो ये क्या होगा, आपका नॉस्रो अकाउंट हो गया, ठीक है। चलिए अब इसका क्या है, इसका सेम यहाँ पे रिफ्लेक्शन अकाउंट क्या है, मिरर अपनी बैंक में ओपन करती है, जिसको क्या बोलते हैं, मिरर अकाउंट बोलते हैं। कौन सा अकाउंट बोलते हैं, मिरर अकाउंट। ये इसका बिल्कुल सेम रिफ्लेक्शन होता है, जो भी उसमें एंट्री होती है डॉलर्स में, इसमें क्या है वो रुपीस में की जाती है, ठीक है। ताकि यहाँ पे पता चले कि हमारी जो हम किस पोजीशन पे खड़े हैं, क्या हम यहाँ पे प्रॉफिट में खड़े हैं, क्या यहाँ हमें लॉस में खड़े हैं। देखिए बार बार ये हमारी इंडिया की बैंक, अमेरिका की उसी बैंक में जिसमें हमारा नॉस्रो अकाउंट है, उसको फोन करके थोड़े बोलेगी कि भैया जी आज का बताओ क्या बैलेंस चल रहा है हमारा, क्या कितना पैसा निकल गया, क्या है, क्या हो गया, क्या उसका बैलेंस क्या पड़ा है, उसका डेबिट में है क्या, क्रेडिट में है। तो ये बार बार उसको फोन करके तंग थोड़ी करेंगे। तो उससे बढ़िया ये क्या करते हैं, अपने पास एक मिरर अकाउंट खोल लेते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल ही क्या होता है, जो अपना नॉस्रो अकाउंट का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो जो एंट्री इसमें डलती है डॉलर्स में, वही सेम एंट्री क्या है, इसमें रुपीस में डलती है, ठीक है। ताकि यहाँ पे एट द एंड जब भी इसका बैलेंस चेक करना हो तो इंडिया की बैंक को पता चल जाता है कि आज हम प्रॉफिट में खड़े हैं चाहे लॉस में खड़े हैं। देखिए क्योंकि इसमें करेंसी फ्लक्चुएशन होता है कि आज के रेट में अगर रुपी का हमारा ये रेट चल रहा है तो इसके बिहाफ पे हमारे जो उधर बैलेंस पड़ा है, उधर बैलेंस के हिसाब से हम यहाँ पे रुपीस में इतने बैलेंस के ऊपर खड़े हैं, ठीक है। चलिए तो ये आपका होता है मिरर अकाउंट, ठीक है, जो बिल्कुल ही क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है नॉस्रो अकाउंट का। आई होप अब आपको नॉस्रो, वॉस्रो और मिरर अकाउंट में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, क्लियर। चलिए अगर आपको समझ में आया तो नीचे आप मेरे को प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं, अगर इसमें आपको कोई डाउट है। देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी आपको मैं इसके ऊपर आपको पूरा जोर दे रहा हूँ,
अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज आप अभी मेरे को बता सकते हैं, हम उसी अभी इसको 2 मिनट में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपका अच्छे से आपको पता चल गया तो भी आप बता दीजिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारे फेमा, ठीक है। फेमा आपने बहुत सुना होगा, जो आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, ठीक है। जो एक्ट किसके लिए काम करता है, ये आपके फॉरेन एक्सचेंज को, जैसे आपकी ट्रांजैक्शन होती है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन का काम किसका है, वो ये एक्ट का है, ठीक है। तो ये एक्ट कब आया, ये 1 तारीख 6 महीने यानी कि अपना जून के महीने में 2000 में लॉन्च हुआ था। टू फैसिलिट एक्सटर्नल ट्रेड, ताकि वो जो आप किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करते हो उसको ईजी बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या है, फेमा के अकॉर्डिंग रेजिडेंट क्या होता है, रेजिडेंट एज पर फेमा। तो इस यहाँ पे एक्ट में जो भी यहाँ पे रेजिडेंट होगा वो कौन होता, तो एनी पर्सन रेजिडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रेजिडेंट फाइनेंशियल विल बी टेकन एज रेजिडेंट इंडिया। तो इसके अकॉर्डिंग रेजिडेंट कौन होता है, अगर यहाँ पे इंडिया में कोई भी पर्सन 182 दिन से ज़्यादा रहता है तो वो इंडिया का रेजिडेंट है, और इसके उलट अगर वो किसी दूसरे देश में 182 दिन से ज़्यादा रहता है तो उसको क्या मानते हैं, उसको NRI मानते हैं, ठीक है। तो ये 182 डेज का आपने क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो करना है, अगर इंडिया में 182 डेज रहता है तो इंडिया का रेजिडेंट है, अगर बाहर 182 डेज से ज़्यादा रहता है तो उसको NRI मान लिया जाता है, ठीक है। चलिए, इसमें बात करें फॉरेन एक्सचेंज मीन, जहाँ पे फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड, इसमें खाली अगर फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है तो ऐसा नहीं है खाली इसमें डॉलर रुपीस में आप डील करते हो, उसमें और चीज़ें भी होती है, जैसे आपने डिपॉजिट करवा दिया, आपने लोन दे दिया, आपने कुछ बैलेंस पे करने हैं, ठीक है, और आपका कोई ड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट है, आपका LC है, LC का मतलब कि लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था, उसमें देख सकते हो, ठीक है। तो आपका जैसे BE हो गया, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, तो खाली फॉरेन एक्सचेंज का यहाँ पे मीनिंग ये नहीं है कि आप सिर्फ करेंसी में लेन देन करते हो, इसमें आपको किसी के ऊपर बिल भी लिख सकते हो, आप अपने बिहाफ पे लेटर ऑफ क्रेडिट भी इशू करवा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर बात करते हैं तुम्हारा एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, देखिए फटाफट इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए एक्सचेंज रेट का मतलब कि अगर आपने रुपीस देके डॉलर लेने हैं या फिर डॉलर देके रुपीस लेना है तो उसको क्या बोलते हैं, वो किस रेट पे एक्सचेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट होते हैं। तो उसके यहाँ पे 2 मेथड होते हैं, या पे डायरेक्ट मेथड होता है या पे इनडायरेक्ट मेथड है। देखिए डायरेक्ट मेथड में क्या है, इसमें आप जिस भी करेंसी में क्या कर सकते हो, अगर आपको किसी भी करेंसी में एक्सचेंज करना चाहते हो, मान लीजिए आप डॉलर में एक्सचेंज करना चाहते हो और आप क्या करते हो रुपीस देकर डॉलर लेना चाहते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डॉलर को क्या माना जाएगा, वो फिक्स माना जाएगा, क्या कि डॉलर का जो प्राइस है वो फिक्स है, और रुपीस का प्राइस क्या माना जाएगा कि वो फ्लक्चुएट होता है, कि वो ऊपर नीचे कभी 50 रुपए के हिसाब से कभी 69 हो गया, कुछ हो गया, ठीक है, तो ऊपर नीचे होता है। तो मान लीजिए अगर डॉलर यहाँ पे, मान लीजिए कि आपका 1 डॉलर यहाँ पे फिक्स मान लिया और 1 डॉलर के बिहा पे आज का जो रेट है मान लीजिए 50 रुपए है, ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि आज के डेट पे क्या है 50 रुपये। अगर कल यहाँ पे उसको फिर से जज करना है तो यहाँ पे 1 डॉलर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, तो यहाँ पे अगर रुपीस को क्या करेंगे हम इसके हिसाब से चेंज करेंगे, अगर 50 है अगर उसमें मान लीजिए कितना हो गया 55 हो गया, तो इट मीन्स हम कहेंगे कि देखिए डॉलर का प्राइस तो फिक्स था 1 डॉलर के बिहार पे, लेकिन वो हमारा प्राइस क्या होगा, हमें ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे 5 रुपये ज़्यादा, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्ट मेथड, कि आप डायरेक्टली क्या करते हो इसको फिक्स मान लेते हो और अपनी करेंसी को क्या मान लेते हो, फ्लक्चुएट मान लो कि हमारी करेंसी तो ऊपर नीचे जाती रहती है, ठीक, क्लियर। और इसके उलट क्या होता है, आपका इनडायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, मान लीजिए आपने फिर से रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट करना है, तो इसमें क्या है, हम रुपीस को क्या मानेंगे, वो फिक्स मानेंगे, यहाँ पे रुपीस को क्या रखेंगे, फिक्स रखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 50 रुपीस का अगर आपको 1 डॉलर मिलता है, ठीक है, तो ये हम यहाँ पे 50 रुपीस क्या है, फिक्स मान लेंगे, ठीक है, या फिर 1 रुपया फिक्स मान लेंगे जितना भी है। तो यहाँ पे आपका रुपीस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और यहाँ पे जो डॉलर का जो प्राइस है रुपीस के हिसाब से कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, तो वो क्या होता है, आपका इनडायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है। मान लीजिए अगर आज की डेट पे आपको 50 रुपये दे के 1 डॉलर मिल रहा है, तो कल आपको 50 रुपये दे के आपको कितने डॉलर मिलेंगे, या तो डॉलर की अगर इकोनॉमी या फिर कैसे डॉलर की वैल्यू बड़ी होगी तो ऑब्वियस बात है कि आपको कम डॉलर मिलेंगे, हो सकता है आपको 80 सेंट्स मिले, ठीक है, 80 सेंट 100 सेंट से 1 डॉलर बनता है, उसका ध्यान रखना। तो हो सकता है या फिर डॉलर की कीमत कम हुई हो, या फिर आप फिर को 50 रुपये दे के आपको 1 डॉलर से ज़्यादा, मान लीजिए 1 डॉलर 20 सेंट्स आपको मिलने हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो ये डायरेक्ट मेथड में क्या है, रुपीस आपका फ्लक्चुएट रहता है, और इनडायरेक्ट मेथड में आपकी करेंसी क्या रहती है, फिक्स रहती है, और उसके उलट बिल्कुल हो जाता है, क्लियर क्लियर। चलिए, आई होप अब आपको सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मेरे को आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है।
देखिए ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज में जो मेनली जहाँ पे जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने आपको सारी यहाँ पे बताई है। अगर यहाँ पे आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप मेरे को बता सकते हैं, ताकि हम इसको अभी अभी 1 मिनट में उसको क्लियर कर लेंगे। अगर यहाँ पे कोई डाउट नहीं है तो भी आप बता दीजिए कि सर यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, तो हम फिर सीधा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। अगर आप ऐसी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, जिसमें हम आपको सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, जिसमें हम आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो, सिंधी इंग्लिश मिक्स, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट, APDF नोट्स और रिकॉर्डेड लाइव क्लास सारी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप अभी हमारे कोर्सेज को परचेज करते हैं, अगर आप एंड्रॉइड यूजर है तो IIBF लर्निंग सेंटर ऐप को डाउनलोड कीजिए, अगर आप एप्पल यूजर है तो माई इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोड यूज़ कीजिए GEGKT। अगर आप अभी हमारे कोर्सेज को परचेज करते हैं तो आपको फ्लैट 2% ऑफ मिलेगा, जस्ट आपको कूपन डालना होगा IIBF एग्जाम। इसके अलावा फर्दर अगर एग्जाम के रिलेटेड आपको कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं कल एक नए मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और कलीग के साथ शेयर कीजिए।